हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पता है दिवाली आती है अपने साथ इतने सारे काम लेकर के, और कल हम ना सफाई इतना कर रहे थे, सफाई एक ही रूम की सफाई हुई, मतलब प्रॉपर तरीके से। अभी एक ही रूम की हुई, दूसरे रूम में अभी बच ही रहा है, और उसको एक रूम को करने में ना हमारी बैंड बच गई। मैं तो मेरे साथ ये होता है कि मेरा बैक पेन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, हल्का सा कुछ काम ना कर लूँ मेरा बैक पेन शुरू हो जाता है। तो रंगोली बनाना मैं सिखाएगी मम्मा। हाँ, इसको रंगोली बनाना सिखाना है मुझे। तो ना सफाई फिर करने के बाद, आज संडे है तो आज हमें जाना है कमला नगर। अभी शादी की भी शॉपिंग चालू है, मुझे मतलब मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा है। जैसे घर में शादी है, वो भी अपनी बहन की, पर वहाँ कार्ड वगैरह सारे पैक वगैरह हो रहे हैं, सामान रखा जा रहा है, चीज़ें क्या लेनी है देनी है, और मैं हर चीज़ का हिस्सा बनना चाहती थी। ऑफकोर्स बहन की शादी है, घर में रौनक है, तो आप मतलब मन होता है कि वहीं रहे, इन सब चीज़ों को देखे करें, और लेकिन ना मैं कर नहीं पा रही क्योंकि मैं गई नहीं हूँ अभी तक। मुझे लगता है फिर बाबू को लेकर जाओ, फिर उसको लेकर जाऊंगी तो वो लोग उसमें उलझ जाएंगे। अभी लोगों का इतना ईजिली हो रहा है, फिर बच्चों में ना होता है उलझन हो जाती है। पर नवंबर में मैं चली जाऊंगी, शुरू के नवंबर में चल जाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद के बहुत सारे काम है, लाइक बालों का काम, पूरा पूरा दिन पार्लर में काम है मुझे। ये है मोना की शादी का कार्ड, जो कि शायद दिवाली है, भाई दूज के बाद बांटेंगे। कोई मतलब कुछ टाइम होता है इस कार्ड बांटने का, तो अभी वो टाइम नहीं है, तो उसके बाद बटेगा। और ये ना क्लिप्स मम्मी ने बनाई है मेरे लिए, मतलब बहुत स्वीट ऑफ हर कि जैसा उनको आया उन्हें वीडियो बना ली, चांदनी ने उन्हें कहा था बनाने के लिए शायद। तो यहाँ पे कार्ड की पैकिंग हो रही, पापा बहुत परेशान थे, कार्ड कब पैक होगा, बांटने जाना है, कार्ड कब पैक होगा। तो एक दिन का काम था ये, चांदनी, सुमित, अमित सब मिल करके सब ने कार्ड पैक कर लिया पूरा, और बहुत ही प्यारा कार्ड बन के आया मोना का। और ये कार्ड देख करके मतलब थोड़ा सा इमोशनल तो फील होता है, क्योंकि फिर ना चाहे आप मानो ना मानो, बेटियां पराई नहीं होती, अब ये कहा जाता है, लेकिन हम दूर तो चले जाते हैं, फिर अपनी लाइफ में इतने उलझ के रह जाते हैं कि हम चाह करके भी वो पहले वाली लाइफ में नहीं आ पाते, हम वो टाइम नहीं दे पाते जो हम पहले अपने घर को दे पाते थे। ये चीज़ मैंने फील करी है, तो बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ मैं जब मैं इन सब चीज़ों को देखती हूँ। फिर घर आके हमने खाना खाया, मम्मी ने बना के रखा था कढ़ी चावल पापड़ और एक सब्जी भी थी, वो सब बना करके रखा था। और उसके बाद बाबू को मैं घर पे छोड़ रही हूँ, उसके बाद दोनों भाई और मैं और राहुल हम चारों जा रहे हैं कमला नगर, क्योंकि ना कपड़े लेने थे। अब राहुल के लिए भी कपड़े लेने हैं, क्योंकि शादी के कपड़े हैं। पापा ने कहा जाके सब शॉपिंग कर लो धीरे धीरे, क्योंकि फिर टाइम इतना नहीं रहता, क्योंकि सिलवाना वगैरह होता है तो उन सब में टाइम लग ही जाता है। तो राहुल और सुमित ने अपने लिए शॉपिंग करी, अमित ने फिर भी नहीं करी, जाने के बाद भी शॉपिंग उसने नहीं करी, बस राहुल और सुमित ने ही ली। बाबू को छोड़ा घर पे और कुछ भी घर पे ही है, और हम निकल चुके हैं कमला नगर के लिए। अब देखते हैं कमला नगर में कैसे कैसे स्टफ आए हुए हैं, उस हिसाब से शॉपिंग वगैरह करेंगे। खुद दिवाली की भी शॉपिंग करनी है मुझे, तो बस भीड़ ना मिले। लास्ट टाइम हम गए थे ना, इस टाइम तो बहुत भीड़ मिली थी, बस आज भीड़ ना मिले उतनी ज़्यादा जितनी उस दिन मिली थी। देखते हैं क्या होता है आगे। रास्ता खाली था क्योंकि दिन का टाइम था, अगर हम शाम को संडे को ऐसे निकलते हैं ना तब तो रास्ता बिल्कुल भरा भरा मिलता, पर यहाँ पे ट्रैफिक कम मिला क्योंकि दिन का टाइम था। दिन में लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते मार्केट धूप वगैरह में निकलना, तो हमने इसलिए सोचा था दिन में ही जाएंगे, वरना ना बहुत गंदी भीड़ मिलती है। लास्ट ईयर मतलब मैं गई थी कमला नगर, मोना मैं अमित और राहुल हम गए थे कमला नगर, भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा। और लास्ट ईयर ना मोना मुझसे नाराज़ थी, उस दिन बात तक नहीं कर रही थी मुझसे। अब रीज़न तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन वो नाराज़ थी मुझसे। तो उस दिन हम शॉपिंग करने के लिए आए थे, बहुत ज़्यादा रश था, मतलब हम कुछ ले नहीं पा रहे थे, इतनी मतलब अंधेरा सा हो रखा था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो ना कभी एक धक्के में हम इधर, एक धक्के में उधर, अब हम पार्क कर दिया हमने गाड़ी को, यहाँ पर मॉल है गोल चक्कर पर, मॉल बना हुआ है पूरा, तो हम वहाँ पे गाड़ी को पार्क करते हैं। उसके बाद ये कोल्हापुरी रोड जहाँ से हम शॉपिंग करने गए, कमला नगर में आओ तो कोल्हापुरी रोड से शॉपिंग करो, वहाँ पे सब कुछ बहुत आराम से मिल जाता है और सबसे भीड़ इसी रोड में मिलेगी आपको। तो बहुत सारे स्टफ़ आए हुए थे, कान वाले, सजाने वाले, बहुत सेल लगी हुई थी कपड़ों की, लेकिन देखने का टाइम नहीं मिला। और कौन कहता है कि लड़कियाँ शॉपिंग करने में टाइम लगाती हैं, लड़कियों के साथ शॉपिंग करने जाओ तो पक जाओगे, पागल हो जाओगे। मैं लड़कों के साथ शॉपिंग करने गई थी फर्स्ट टाइम, सिर्फ लड़कों के कपड़े दिलाने गई थी, और इन लोगों ने भी कम पागल नहीं किया था, इन लोगों ने 3-4-5 दुकान से कम हमें नहीं दौड़ाया था कि ये नहीं पसंद दिया, वो नहीं पसंद दिया, इससे मैच नहीं कर रहा या इसकी एम्ब्रॉयडरी अच्छी नहीं लग रही, इतनी सारी चीज़ें लड़के भी करते हैं। तो ये सिर्फ कहना गलत है कि लड़कियों की शॉपिंग में टाइम लगता है, लड़कों की शॉपिंग में भी बराबर टाइम लगता है। और मैं ये सब चीज़ें देखती हुई चल रही थी, मेरा मन कर रहा था लूँ यार, रुक के चोकर वगैरह देखूँ, गले वाला देखूँ, पर कहाँ देख सकते हैं ये लोग, देखने दें तब ना, ये लोग तो सीधे सीधे चले जा रहे थे। और वैसे ना रुकती ना तो बहुत लेट हो जाता क्योंकि बाबू रो रहा था। तो हम सबसे पहले गए गुप्ताज क्रिएशन में, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने उस टाइम अमित के लिए और राहुल के लिए वहीं से कपड़े लिए थे। काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है इसका, लेकिन रेट बहुत हाई होता है, मतलब 12-13 हज़ार ऐसा रहता है इसका रेट, लेकिन कलेक्शन बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर हमने सोचा चलो एक ही दुकान देखा है, अभी 2-3 और देखते हैं, नहीं अच्छा लगा तो हम गुप्ता क्रिएशन में ही आके ले लेंगे।
और फिर हम फिर निकल गए आगे। और आप बाजार की रौनक देखो कितना मस्त लग रहा है ना, एकदम लग रहा है कितनी सारी चीज़ें आई हुई हैं, क्या क्या स्टफ़ आए हुए हैं, क्या क्या ले लें। बच्चों को भी काफ़ी अच्छे कपड़े मिल रहे थे, और लड़कियों के लिए तो खैर हमेशा ही बाज़ार हरा भरा रहता है, कभी कमी नहीं होती। तो ये सैंडल पे भी ना 250 रुपये ऐसे वाली सेल लगी हुई थी, टी शर्ट वगैरह 100 रुपये 250 रुपये। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने अपने हाथ को कितना कंट्रोल किया, कुछ नहीं खरीदा। हाथ को क्या कंट्रोल करना, जब ये तीनों आगे भागे जा रहे थे, एक तो वीडियो बनाने में पीछे रह रही थी, ऊपर से ये ऐसे ऐसे आगे भाग रहे थे कि आप क्या ही करोगे, कैसे ले सकते हो। उसके बाद हम गए इस दुकान में जो हमें सजेस्ट किया गया। अब यहाँ पे वही चीज़ जो गुप्ता क्रिएशन में 12-13 हज़ार की मिली थी, यहाँ पे आप सिलवा करके उसको जनरल रेट में ले सकते हो, उससे कम में ही ऑफ कोर्स। तो राहुल और अमित सुमित ने ना यहीं से अपना बनवाया, इवन अभी चाचा भैया सब ने आकर यहीं से बनवा लिया। काफ़ी अच्छा फैब्रिक था और काफ़ी अच्छा रेट भी था, तो सब ने यहीं से बनवाने की सोची। उसके बाद बाहर निकल के मैं राहुल से पहले बोला था कि मुझे ना बंटा सा आता था वो पीना था, राहुल कह रहे गंदा पानी का होता है वो, तो मैंने कहा मुझे तो पुदीने का पानी पिला दो। पर बहुत ठंडा था, और ना इसका जो बूंदी था ना वो ऐसा लगता था पुराना सा नहीं होता, खट्टा हो जाता है, वैसा टेस्ट आया था, जबकि पुदीने का पानी मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा था, मौसम ठंडा और पुदीने का पानी ठंडा, और अभी मैं ठंडा अवॉइड ही कर रही हूँ, मतलब क्योंकि जुकाम का डर भी रहता है और बेबी को भी फीड करवाना होता है। लेकिन अच्छा लगा पीने में काफ़ी। उसके बाद हम गए सैंडल खरीदने, मोना की सैंडल लेनी थी, मुझे मेरी सैंडल लेनी थी, तो हम किन्स गए, किन्स में हमें सैंडल खरीदना था। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग भी यहीं से करी थी, किन्स से ही मैंने अपनी सैंडल ली थी, और इवन मेरे ससुराल वालों ने भी यहीं पे स्टेलेटॉस से इसी लाइन में जो दुकान है वहीं से ली थी। मतलब कितना अलग है ना कि हम दोनों बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं मैं और राहुल, कि हमारी शॉपिंग भी एक ही जगह से हुई थी शादी की। तो किन्स में इतनी वैरायटी और इतनी भीड़, क्योंकि हाँ हमेशा भीड़ होती है क्योंकि डिस्काउंट चल रहा होता है, बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा, आप जैसा चाहोगे ना वैसी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, इसलिए लोग आते हैं। इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए लोग यहाँ आते हैं। और सैंडल लेने के बाद ना हम निकल गए घर के लिए, क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन आया जा रहा था कि बाबू अब नहीं रह रहा, अब वो रो रहा है, तो फिर मुझे जल्दी निकलना पड़ा। तो कुछ खाना हमने पैक करवाया, फिर हमने फ्राइडेस वगैरह पैक करवाया, घर पे पापा भी खाना लेकर आ गए थे बाहर से, तो हमने जाते के साथ सबसे पहले खाना खाया, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था कि हम कहीं रुक के खाना खा ले, फिर वो रोता रहता तो अच्छा नहीं लगता फिर मुझे शॉपिंग करने में। तो इसमें जल्द जल्दी घर आई और फिर बाबू से मिली, तो मुझे बहुत सुकून मिला। ऐसे बच्चे को छोड़ के जाओ ना तो सुकून नहीं मिलता। और वैसे मैं इस बार बहुत कम मार्केट गई हूँ, एक दो बार ही गई हूँ, अब मैं शायद बहुत कम जाऊँगी भी तो उसको लेकर के जाऊँगी। तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, अब खाना पीना खाया, उसके बाद हम 6 बजे के करीब घर के लिए निकल गए। और अब मोना आ रही है कि बाबू को उसको लेना है, पूरा दिन बाबू से ये पास था, तो मोना का बार बार फ़ोन आ रहा था कि वो रो रहा है। अब उसको भी आदत नहीं है ना मेरे बिना रहने की और बार बार छोड़ कर, तो मैं उसको जाती नहीं हूँ, कभी कभी होता है तो फिर उससे रहा नहीं जाता। और फिर सबको बाय बोल करके मैं निकल गई घर के लिए। चाची की तबीयत ख़राब थी, उन्हें बुखार था, और भाभी को भी मार्केट में ऐसा जाना था, पर भाभी ने बोला मेरी तबीयत ख़राब है, उनको भी जुकाम वगैरह था, तो वो भी नहीं गई थी फिर मार्केट। तो भाभी की शॉपिंग तो हो नहीं पाई, वरना मैं आज गई इसलिए थी कि भाभी की साड़ी वगैरह, मम्मी ने कहा था कि भाभी के साथ जाना और साड़ी वगैरह खरीद लेना, और फिर राहुल और सुमित ने शॉपिंग कर ली, मैं उनके साथ गई, उनकी खरीदारी हो गई। तो उसके बाद अब हम निकल रहे हैं घर के लिए शाम को, और देखिए कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, बिल्कुल लाल लाल सा हो रहा है आसमान। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं, पहली बार मुझे देखा है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आगे आने वाले व्लॉग्स और भी इंटरेस्टिंग आने वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन।